अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात सुअम का निकष नंबर 9 कम अज़ कम एक तकसीम का अमल बिना गलती के करना, यह हम लोग इस निकष में देखेंगे। तो बच्चों, आज हम डिवाइडेशन यानी तकसीम, इसकी कुछ मिसालें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिसाल लेंगे, जैसे हमको यहाँ पर 8 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए एक मेथड हम हमेशा यूज करते हैं कि इस तरीके से उसको लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो 8 है, यानी ये डिविडेंड है, और हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 जो है यहां पर डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है और 8 जो है वो डिविडेंड। अब डिवाइड करने के लिए हम 2 का टेबल 8 आने तक पढ़ेंगे, यानी 2 के टेबल में देखेंगे 8 कहां पर आता है। तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6 और 2 फोर जा 8। तो 4 हम यहां लिखेंगे, 2 फोर जा 8। अब हम यहां पर इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, 8 में से 8 गया 0, यानी यहां पर रिमाइंड कुछ नहीं रहा और ये 8 जो है वो 4 में डिवाइड हो गया, यानी 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 4 आता। तो देखो बच्चों, आज हम डिवाइडेशन देखेंगे। हम यहां पर 2 डिजिट नंबर लेंगे और इस 2 डिजिट नंबर को हम डिवाइड करेंगे 1 डिजिट नंबर से, तो किस तरह उसका आंसर आता है देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 डिजिट जो नंबर लिया है वो 48 है, तो ये उसका पैटर्न है जहां पर हम 48 को हम यहां लिखेंगे, ये डिविडेंड है, और डिवाइजर को हम यहां लिखेंगे 4। जो तकसीम हो रहा है यानी डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर होता है, और जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं। तो 4 से हमको 48 को डिवाइड करना है, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो यहां पर 4 में 10 पर जो है वो 4 है, तो सबसे पहले हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 वन जा 4, तो 4 में से 4 चले गए यानी सबसेक्शन हो गए, तो इसका आंसर 0 है। अब ये जो यूनिट पर 8 है उसको हम नीचे लेंगे यहां से बराबर यहां पर, तो ये 8 हो गए। अब यहां पर 8 है और डिवाइजर 4 है, अब 4 का टेबल हम 8 आने तक पढ़ेंगे, तो 4 टू जा 8 हो गए। अब 8 में से 8 सबसेक्शन करेंगे तो 0 आ गया, तो ये हमारा 48 4 में डिवाइड हो गया और उसका आंसर कितना आया 12, यानी 48 डिविडेंड था, डिवाइजर 4 से जब हमने उसको डिवाइड किया तो उसका क्वेश्चन 12 आ।